हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दूं, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नुपुर शर्मा को लेकर बड़ी खबर। दोस्तों नुपुर शर्मा का सिर मांग रही है कश्मीर की मुस्लिम महिलाएं, भारत में चाहिए इस्लामी राज। बताएंगे दोस्तों, कश्मीर में फिर एक बार आगजनी होती नजर आ रही है। दोस्तों बताएंगे अभी की सबसे बड़ी खबर, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर इसी आगजनी को देखते हुए दोस्तों नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले डच के संसद का नया बयान। कहा, इस्लाम से 10 लाख गुना अधिक हिंदू धर्म का करता हूँ सम्मान। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बताएंगे पूरी बात इनकी, और साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों जिसका इंतजार था कब होगी नए CDS की नियुक्ति। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है बहुत बड़ी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच आपको हम बताएंगे जहाँ पर यूरोपीय देशों ने तो रशिया पर दाव खेला, लेकिन बलि का बकरा बन गया पाकिस्तान। अंधेरे में डूबा पूरा मुल्क, कहा बचा लो हमें, नहीं तो। बताएंगे पूरी खबर क्या है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां भारत और रशिया के बीच व्यापार में सबसे बड़ा खिलाड़ी बना ईरान। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे। और साथ में मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी बसपा को लगा तगड़ा झटका। बताएंगे दोस्तों क्या है पूरी खबर। तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं दोस्तों, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हां तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है, और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश है, और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट और सबसे टॉप की। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले सांसद ने कहा, इस्लाम से 10 लाख गुना अधिक हिंदू धर्म का करता हूँ मान। जी हाँ, पैगंबर मोहम्मद को लेकर भाजपा की पूर्व नेता नुपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी का समर्थन करने के बाद एक बार फिर से नीदरलैंड के धूर दक्षिणपंथी सांसद गिर्ट वाल्डर्स ने ट्वीट किया है। दोस्तों इस बार वो हिंदू और मुस्लिम धर्म पर टिप्पणी करके चर्चा में है। जी हाँ दोस्तों, सांसद गिर्ट वाल्डर्स ने ट्वीट किया है कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद एक भ्रामक अवधारणा है, लोग समान है लेकिन संस्कृतियां नहीं है, मानवता और स्वतंत्रता पर आधारित संस्कृति सहिष्णुता और गुलामी पर आधारित संस्कृति से हमेशा बेहतर होती है, इसलिए मैं इस्लाम से 1 लाख गुना अधिक हिंदू धर्म का सम्मान करता हूँ। साथ में दोस्तों उन्होंने अपने ट्वीट में #ISupportNupurSharma का उपयोग किया। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, अपने इस्लाम विरोधी बयानों के लिए पहचान बना चुके सांसद गिर्ट वाल्डर्स ने इससे पहले एक ट्वीट में कहा था कि मैं ना तो हिंदू हूँ और ना ही भारतीय, लेकिन एक बात जो मैं जानता हूँ कि धर्म निरपेक्षता का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक धर्म को नीचा दिखाया जाए और दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने को लेकर विवाद खड़ा कर दिया जाए। यानी कि दोस्तों इनका साफ कहना है कि इस्लाम से लाख गुना अधिक हिंदू धर्म का करता हूँ सम्मान। ऐसे में दोस्तों क्या आप लोग गिर्ट विल्डर्स के बात का समर्थन करेंगे? दोस्तों हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा, और जिस प्रकार से उन्होंने #ISupportNupurSharma चलाया है दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर। और इसी बीच दोस्तों आपको हम बता दें जो अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत में चाहिए इस्लामी राज, नुपुर शर्मा का सिर मांग रही है कश्मीर की कुछ मुस्लिम महिलाएं। जी हां, पैगंबर मोहम्मद पर कथित विवादित टिप्पणी मामले में नुपुर शर्मा की हत्या की मांग अब भी कट्टरपंथियों द्वारा लगातार की जा रही है। दोस्तों उनके इस अभियान में पहले छोटे लड़के जोड़े गए, और अब मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों ने भी नुपुर शर्मा का सिर तन से जुदा देखने की इच्छा प्रकट कर दी है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कश्मीर की महिलाएं वो स्कूली छात्राएं सरेआम सड़कों पर निजामे मुस्तफा यानी इस्लाम का राज की मांग कर रही हैं। जी हां दोस्तों, एक वीडियो कश्मीर के सोपोर क्षेत्र से सामने आया है, जिसमें बुरकाधारी महिला एक सुर में चिल्ला रही है कि गुस्ताख है, नबी का सिर चाहिए। इसके बाद पीछे खड़ी तमाम मुस्लिम महिलाएं भी इसी शब्द को दोहराती नजर आ रही है। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे इन महिलाओं को, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जिस प्रकार से देश में हर किसी के सजा देने के लिए दोस्तों कोर्ट बनाया गया है, सरकार बनाई गई है, पुलिस बनाई गई है, प्रशासन बनाया गया है, उसके बावजूद भी दोस्तों इस प्रकार की आगजनी करना, रोड पर उतरना, पत्थरबाजी करना दोस्तों कितना आपको सही लगता है कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगर किसी को किसी से कोई भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो उसके लिए कोर्ट है, आप कोर्ट जा सकते हैं, थाने जा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से सड़कों पर उतरना, दंगे करना, आग जलाना, क्या ये शोभा देता है दोस्तों? बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली बड़ी।
खबर की तरफ, लेकिन वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट है, वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहां आपकी इच्छा हो दोस्तों शेयर कर दीजिए। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आखिर कब होगी नए CDS की नियुक्ति। जी हां, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है ये जानकारी। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कहा है कि देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति जल्द की जाएगी। गौरतलब है कि देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुए निधन के बाद से देश के डिफेंस स्टाफ का सर्वोच्च पद खाली है दोस्तों। जनरल रावत का दिसंबर 2021 में हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। उनकी मौत के 6 महीने बाद रक्षा मंत्री की ओर से नए CDS की नियुक्ति को लेकर यह बयान दिया गया है। गौरतलब है कि सरकार ने अब CDS पद पर नियुक्ति के लिए आर्म्ड फोर्स के सर्विस रूल में भी बदलाव किया है। पिछले साल दिसंबर में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हादसे में हुए निधन के बाद सरकार ने नए CDS की नियुक्ति को लेकर रक्षा मंत्री के स्तर पर जानकारी साझा की है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि जल्द ही इस पर यानी इस पद पर नियुक्ति की जाएगी। सरकार ने अब जो आर्म्ड फोर्सेस सर्विस रूल्स में बदलाव किया है दोस्तों, उसके बाद तीनों सेनाओं के मौजूदा और हाल ही में रिटायर हुए सभी 3-स्टार ऑफिसर, लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल जिनकी उम्र 62 साल से कम है, वे CDS पद के लिए योग्य होंगे। यानी कि दोस्तों खुद राजनाथ सिंह ने इसको लेकर बड़ा संकेत दे दिया है दोस्तों और साफ कह दिया है कि जल्द हम इसको संज्ञान में लेके CDS जी की नियुक्ति अवश्य करेंगे। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों, आपको किसको CDS बनाया जाना चाहिए भारत की सरकार की तरफ से, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों। और एक बार फिर उनकी याद में यानी जनरल बिपिन रावत जी के याद में उनको श्रद्धांजलि आप लोग जरूर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां यूरोपीय देशों ने तो रूस पर दाव खेला लेकिन बलि का बकरा पाकिस्तान बन गया। जी हां दोस्तों, अंधेरे में डूबा पूरा मुल्क, कहा बचा लो हमें नहीं तो। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच जंग को आज 110वां दिन हो गया है दोस्तों, और इतने दिनों में रूस ने यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यूक्रेन के कई शहरों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है, यहां तक कि कई शहरों में तो रूसी रूबल भी चलने लगी है और वहां पर रूस का झंडा फहरा दिया गया है। उधर रूस को कमजोर करने के लिए पश्चिमी देशों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपने ही जाल में फंस गए और साथ ही पाकिस्तान को भी अंधेरे में डुबो दिया। जी हां दोस्तों, दरअसल रूस को तोड़ने के लिए पश्चिमी देशों ने कई कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन इसका असर रूस से कहीं ज्यादा इन पश्चिमी देशों पर ही पड़ा और इसी में पाकिस्तान भी फंस गया। जी हां दोस्तों, पश्चिमी देशों ने रूस के ईंधन से किनारा करने का फैसला लिया है और इस पर काम तेज कर दिया गया है और इसी से पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। पूरे मुल्क में अंधेरे से हाहाकार मच गया है दोस्तों, नई सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती बन गई है। दरअसल पाकिस्तान ने LNG में बड़े पैमाने पर निवेश किया था, इसके लिए उसने इटली और कतर के साथ लंबी अवधि का गैस सप्लाई का समझौता किया था दोस्तों, और अब इनमें से कुछ सप्लायर डिफॉल्ट कर गए हैं और पाकिस्तान को गैस देने के बजाय यूरोपीय देशों को दे रहे, जिससे उन्हें तगड़ा मुनाफा हो रहा है। जी हां दोस्तों, और इसी बीच आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी ज्यादा पस्त हो चुकी है दोस्तों कि आलम यह है कि केंद्रीय मंत्री ने की है चाय कम पीने की अपील। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी एकदम से पस्त है। शहबाज सरकार चीन, सऊदी अरब जैसे देशों से कर्ज की तलाश में है। इसके साथ ही इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी मदद की आस में है। इस बीच पाकिस्तान सरकार के एक मंत्री ने आम लोगों से चाय की खपत में कटौती करने की अपील की है। जी हां दोस्तों, मीडिया से बातचीत के दौरान एहसान इकबाल ने इकॉनमी को बचाने के लिए लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश में मैं देश से एक कप चाय कम पीने की अपील करूंगा। आपको बता दें एहसान योजना विकास और स्पेशल इंसेंटिव के प्रमुख हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में जब खुद मंत्री और नेता ऐसे बयान देते हैं दोस्तों, तो देश की जनता की क्या स्थिति होगी आप समझ ही पा रहे होंगे। ऐसे में अपनी राय जरूर दीजिएगा आप लोग। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत रूस के बीच व्यापार में बड़ा खिलाड़ी बनकर आया ईरान। 24 दिनों में सेंट पीटर्सबर्ग से मुंबई पहुंचाया सामान। जी हां दोस्तों, ईरान की सरकारी शिपिंग कंपनी ने भारत और रूस के बीच नए ट्रेड रूट के जरिए माल पहुंचाकर इतिहास रच दिया है दोस्तों। कंपनी ने रूस से भारत तक माल पहुंचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर यानी INSTC का इस्तेमाल किया। 7,500 किलोमीटर लंबे इस ट्रेड रूट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बाईपास कर दिया गया है दोस्तों। अगर यही माल रूस से स्वेज नहर के जरिए भारत पहुंचता तो इसे 16,112 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती। जी हां दोस्तों, ऐसे में अगर ये व्यापार गलियारा एक्टिव
पॉजिटिव हो जाता दोस्तों, तो ना सिर्फ भारत और रूस के बीच ट्रेड में जबरदस्त इजाफा होगा बल्कि ईरान और कजाकिस्तान के साथ भी व्यापारिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे, प्रोफाउंड होंगे। जी हाँ दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग में बना माल अस्त्र खान में कैस्पियन सागर के किनारे स्थित रूसी पोर्ट सोलंका लाया गया दोस्तों। यहाँ से शिप के जरिए माल को ईरान के अंजली कैस्पियन बंदरगाह लाया गया। अंजली बंदरगाह से माल को सड़क मार्ग के जरिए होर्मुज की खाड़ी के किनारे स्थित अंदर अब्बास लेकर जाया गया। जी हाँ दोस्तों, फिर यहाँ से शिप के जरिए अरब सागर के रास्ते इस माल को मुंबई के बंदरगाह पर पहुंचाया गया। आप दोस्तों ये मैप देख पा रहे होंगे ताकि आप आसानी से समझ सके। ऐसे में दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस ईरानी कंपनी को दोस्तों थैंक यू जरूर कह दीजिएगा जिसने इतिहास रच दिया है दोस्तों। मात्र 24 दिनों में मुंबई पहुंचा दिया गया है रशिया का सामान। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पीएम मोदी के दोस्त की इजराइल में बन सकती है सरकार, बेंजामिन नेतन्याहू फिर बन सकते हैं प्रधानमंत्री इजराइल के। जी हां, इजराइल में प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट की गद्दी खतरे में है दोस्तों। उनकी गठबंधन सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, अल्पमत में चल रही उनकी सरकार कभी भी गिर सकती है दोस्तों। बेनेट की सरकार के पास विपक्ष से मात्र एक सीट अधिक थी, लेकिन अब सरकार में सहयोगी रही एक पार्टी ने गठबंधन से बाहर आने का फैसला किया है। ऐसे में दावे किए जा रहे हैं कि एक बार फिर से इजराइल में सत्ता की कुर्सी पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मिल सकती है। बहुत बड़ी खबर, इजराइल में 2 साल में 4 सरकारें अल्पमत में रही हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बेनेट का बयान सामने आया है दोस्तों। बेनेट के मुताबिक अगले 1 या 2 सप्ताह में ये तय हो जाएगा कि उनकी सरकार रहेगी या गिर जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक 8 पार्टियों के गठबंधन में शामिल अरब समर्थक पार्टी यूनाइटेड अरब लिस्ट फिलिस्तीन के मामले पर बेनेट सरकार से नाराज है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या बेंजामिन नेतन्याहू को फिर से दोस्तों प्रधानमंत्री बनना चाहिए या फिर नेफ्ताली बेनेट भी ठीक ही है, बताइएगा जरूर आप लोग। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां चतुर्भुज आर्थिक मंच की वर्चुअल मीटिंग में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चतुर्भुज आर्थिक मंच के एक आभासी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस मंच में भारत के अलावा इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका शामिल है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मिलकर इस मंच की स्थापना करने की घोषणा की थी। जी हाँ दोस्तों, अगले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मिडिल ईस्ट देशों की पहली यात्रा है और इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी जी एक आभासी शिखर सम्मेलन में इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के साथ भाग लेंगे और ये फोरम की अब तक की सर्वोच्च सभा होगी दोस्तों। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा संकट और गोलार्धों में सहयोग के अन्य क्षेत्रों पर चर्चाएं होंगी। जी हाँ दोस्तों, इस वर्चुअल मीटिंग के लिए पीएम मोदी जी को ऑल द बेस्ट आप लोग जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, ताकि मोदी जी अच्छे तरीके से अपनी बात रख सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अब ब्रिटेन में नहीं रहेगा एक भी शरणार्थी, सबको भेजा जाएगा इस अफ्रीकी देश में। जी हाँ, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन ने की इसकी आलोचना। जी हाँ, ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल की अवैध प्रवासियों को रवांडा डिपोर्ट करने की नई योजना को मंजूरी मिल गई है। लंदन में उच्च न्यायालय ने इस योजना के तहत पहली उड़ान के लिए अपनी अनुमति दे दी है दोस्तों। मंगलवार को ब्रिटेन से शरणार्थियों का पहला जत्था रवाना हो जाएगा दोस्तों। बदले में रवांडा को ब्रिटेन की तरफ से $16 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का तोहफा मिला है। बता दें, ब्रिटेन ने मानव तस्करी रोकने का हवाला देते हुए अप्रैल महीने में अफ्रीकी देश रवांडा के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते के मुताबिक शरण की चाह में ब्रिटेन आने वालों को रवांडा भेज दिया जाएगा। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य लोगों को ब्रिटेन में अवैध रूप से प्रवेश करने से रोकना है। बोरिस जॉनसन सरकार के इस फैसले की काफी समय से इसके लिए आलोचना भी हो रही है दोस्तों। हालांकि सरकार का कहना है कि उसने काफी सोच विचार कर ये कदम उठाया है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे पाकिस्तान। जी हाँ, अमेरिका की शहबाज शरीफ सरकार को खरी खरी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इमरान सरकार के दौरान अमेरिका के साथ बिगड़े रिश्ते को सुधारने की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ के तुरंत बाद ही पाकिस्तान अमेरिका संबंधों को लेकर सकारात्मक उम्मीद जताई थी, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है दोस्तों कि आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान
पाकिस्तान में अमेरिका के नए राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि पाकिस्तान सभी आतंकवादी समूहों के खिलाफ निरंतर और कड़ी कार्रवाई करेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। जी हाँ दोस्तों, ब्लूम ने कहा कि अमेरिका दुनिया भर के भागीदारों, सहयोगियों और प्रमुख देशों को आतंकवाद से निपटने के लिए चलाए जाने वाले अभियानों में शामिल करना जारी रखेगा। अमेरिकी मिशन की कमान संभालने के लिए पिछले महीने के अंत में राजदूत ब्लूम पाकिस्तान पहुंचे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर FATF की ग्रे लिस्ट से निकल सकता है पाकिस्तान, भारत विरोधी चीन, तुर्की और मलेशिया ने चली बड़ी चाल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान, चीन, तुर्की और मलेशिया की मदद से विश्व स्तर पर धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण के खतरों से निपटने वाले वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी कि FATF की ग्रे सूची से बाहर निकल सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए व्यापक स्तर पर कूटनीतिक प्रयास किए हैं। मीडिया की एक खबर में मंगलवार को ये जानकारी दी गई है। दोस्तों, पाकिस्तान धन शोधन पर रोक लगाने में विफल रहने और आतंकवाद वित्त पोषण के कारण पेरिस स्थित वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी FATF की ग्रे सूची में 2018 से ही है। जी हाँ दोस्तों, बाकी सच में क्या पाकिस्तान निकल पाता है दोस्तों, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, सुझाव राय जरूर दीजिएगा। देखते क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की बात करें, जहां जो बाइडेन का ऐतिहासिक दौरा, अगले महीने इजराइल, सऊदी अरब और वेस्ट बैंक की यात्रा पर जाएंगे। जी हां, व्हाइट हाउस ने मंगलवार को घोषणा की है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन जुलाई में मध्य पूर्व की यात्रा पर जाएंगे, जिसमें वो इजराइल, वेस्ट बैंक और सऊदी अरब की यात्रा करेंगे। दोस्तों, 13 से 16 जुलाई के लिए निर्धारित यात्रा में सुरक्षा, ऊर्जा, जलवायु मुद्दों, मानवाधिकारों और ईरान के बढ़ते खतरे सहित कई मुद्दों पर चर्चा के लिए कई विश्व नेताओं के साथ बैठकें में शामिल होंगे। जी हां, व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कारायन जिन पियरे ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति जोसेफ आर डॉट जो बाइडेन जूनियर 13 से 16 जुलाई तक मध्य पूर्व क्षेत्र का दौरा करेंगे। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर भारत ने कहा म्यांमार में अस्थिरता चिंता का है विषय, मानवीय संकट से सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं पीड़ित। जी हां दोस्तों, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 50वें सत्र के दौरान म्यांमार में मानवाधिकारों की स्थिति पर भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि एक देश के रूप में म्यांमार के साथ भारत एक लंबी सीमा साझा करता है। म्यांमार में लगातार अस्थिरता भारत के लिए चिंता और प्रत्यक्ष प्रभाव का विषय है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां UAE के अस्पताल में भर्ती परवेज मुशर्रफ की हालत काफी ज्यादा गंभीर, एयर एम्बुलेंस से पाकिस्तान वापस लाने की है तैयारी। जी हां दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ जो गंभीर स्थिति में UAE के एक अस्पताल में है दोस्तों, उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। उन्हें एयर एम्बुलेंस में देश वापस लाया जा सकता है क्योंकि सेना अपने पूर्व प्रमुख के साथ खड़ी है। 1999 से 2008 तक पाकिस्तान पर शासन करने वाले 78 वर्षीय जनरल मुशर्रफ पर उच्च राजद्रोह का आरोप लगाया गया था और 2019 में संविधान को निलंबित करने के लिए मौत की सजा दी गई थी। बाद में उनकी मौत की सजा को निलंबित कर दिया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर मेहमान सैनिकों के दम पर जंग नहीं जीती जाती। जी हां, अग्निपथ स्कीम के बारे में बोले डिफेंस के एक्सपर्ट। जी हां, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में अग्निपथ भर्ती योजना यानी अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम की घोषणा कल यानी 14 जून 2022 को की थी। दोस्तों, मौके पर तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने इस स्कीम की शुरुआत के साथ इसके फायदे भी बताए। ये भी बताया कि अग्निपथ स्कीम के योद्धाओं को अग्निवीर पुकारा जाएगा और इस स्कीम को लेकर रक्षा विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। जी हां दोस्तों, PK सहगल ने आज तक से बातचीत में कहा कि सरकार की ये बहुत खराब स्कीम है, ये सरकार के लिए अग्निपथ साबित हो सकता है। देश में बेरोजगारी बहुत है, 46,000 लोगों को एक साथ भर्ती करने का जो प्लान सरकार ने अग्निपथ स्कीम के तहत तैयार किया है, यहां लोग आएंगे तो फौज को ज्वाइन करेंगे लेकिन 4 साल बाद उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। जी हां दोस्तों, यानी एक्सपर्ट्स का दोस्तों, जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स, उनका कहना है कि 4 साल का ये फौज स्कीम सही नहीं है केंद्र सरकार का। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट करके जरूर अपनी राय रखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, काफी गंभीर मुद्दा है तो इस पर राय अपनी देना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर हेल्थ इमरजेंसी घोषित होगा क्या मंकी पॉक्स, WHO ने 23 जून को बुलाई है आपातकालीन बैठक। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को कहा है कि वो 23 जून को एक आपातकालीन बैठक
आयोजित करेगा, जिसमें ये तय किया जाएगा कि दुनिया में तेजी से फैल रहे मंकी पॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जाए या नहीं। WHO ने कहा है कि वो जल्द ही इस बात की पुष्टि करेगा कि मंकी पॉक्स एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है या नहीं। आपको बता दें कि 2020 की शुरुआत में जब कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा था, तब उसे भी WHO द्वारा 30 जनवरी 2020 को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी बसपा को लगा तगड़ा झटका। 3 विधायक बीजेपी में हुए शामिल, सीएम ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। जी हां, मध्य प्रदेश की राजनीति में मंगलवार को एक बड़े घटनाक्रम में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के एक एक विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दोस्तों इसके एक निर्दलीय विधायक भी बीजेपी में शामिल हुआ। तीनों विधायकों ने भाजपा में शामिल होने की वजह क्षेत्र का विकास बताया है। दोस्तों भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को आयोजित समारोह में भिंड से बसपा विधायक संजीव कुशवाहा, छतरपुर के बिजावर से समाजवादी पार्टी विधायक राजेश शुक्ला और सुसनेर से निर्दलीय विधायक विक्रम सिंह राणा ने भाजपा की सदस्यता ली। ऐसे में दोस्तों इन सभी को आप लोग कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें जहां पर बुलेट प्रूफ कार में पंजाब जाएगा गैंगस्टर बिश्नोई, पूरे रास्ते की होगी वीडियोग्राफी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पंजाब पुलिस को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब ले जाने की इजाजत दे दी है दोस्तों, ताकि वे पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच के लिए दर्ज मामले में उससे पूछताछ कर सके। पुलिस ने बिश्नोई की मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए कहा है कि उससे हिरासत में पूछताछ जरूरी है, जिसके बाद अदालत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हिरासत और ट्रांजिट रिमांड दोनों दे दी है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर PCF से भी मुलायम परिवार का सफाया, बीजेपी का सभापति और उप सभापति पदों पर कब्जा। जी हां दोस्तों, लंबे समय के बाद प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन यानी PCF में मुलायम परिवार का वर्चस्व खत्म हो गया है। दोस्तों मंगलवार को हुए PCF के चुनाव में भाजपा PCF पर काबिज होने में सफल हो गई। बलिया के वाल्मीकि त्रिपाठी सभापति और गोरखपुर के रामाशंकर जायसवाल को निर्विरोध उप सभापति चुन लिया गया। इससे पहले फेडरेशन की 14 सदस्य कमेटी में से भाजपा के 11 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। अभी तक मुलायम के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव, बेटे आदित्य यादव पिछले 10 साल से PCF के सभापति थे। चलते अगली खबर की तरफ जहां पर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को दोहरा झटका, पहले CM फेस ने छोड़ा, अब प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली हुए भाजपा में शामिल। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के लिए उत्तराखंड से बुरी खबर आने का दौर खत्म ही नहीं हो रहा है। दोस्तों पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के CM उम्मीदवार रहे कर्नल अजय कोडियाल के बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी अजय कोठियाल को किनारे लगाकर आपने दीपक बाली के नेतृत्व में नए सिरे से प्रदेश पदाधिकारियों की टीमें बनाई थी। जी हां दोस्तों, भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित प्रदेश पदाधिकारियों की उपस्थिति में बाली ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। दीपक बाली को बीजेपी में शामिल कराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाली आप में थे लेकिन वो हमेशा से राष्ट्रवादी रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी का दो चेहरा है, जो वो दिखावा करती है असल में है नहीं। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी को लेकर, बताइएगा जरूर। और कर्नल अजय कोठियाल का भाजपा में शामिल होना दोस्तों क्या आप सही मानते, बताइएगा जरूर, क्या इन्होंने सही डिसीजन लिया है। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ जहां पर SBI की इस खास स्कीम में एक बार जमा करे पैसा, हर महीने ब्याज के साथ होगी छपर फाड़ कमाई। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में निवेश करने के लिए रिस्क लेने की क्षमता होनी भी जरूरी है। इस समय दुनिया भर के शेयर बाजार में बिकवाली का माहौल है, ऐसे में निवेश के जरिए लोग अपना भविष्य और सुरक्षित करने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन कभी कभी गलत जगह निवेश करने से उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। दोस्तों ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सही जगह निवेश करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों के लिए एन्यूटी स्कीम लेकर आया है। दोस्तों आखिर इसके फीचर्स क्या है वो हमने स्क्रीन पर दे दिया है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे SBI की इस स्कीम में 36, 60, 84 या 120 महीने की अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है। इसमें निवेश पर ब्याज दर वही होगी जो चुनी हुई अवधि के टर्म डिपॉजिट के लिए होती है। जी हाँ दोस्तों, बाकी निवेश करना है तो क्या है नियम, एन्यूटी स्कीम वर्सेस रिकरिंग डिपॉजिट में क्या फर्क है, दोस्तों सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी, आप देख ही पा रहे होंगे। दोस्तों साथ ही आपको बता दें जहां पर दिल्ली में 13 दिनों बाद 40 डिग्री के नीचे आया तापमान, इस दिन हो सकती है जमकर बारिश। जी हाँ दोस्तों, 13 दिनों तक भीषण लू के बाद मंगलवार को दिल्ली का
का अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विभाग विज्ञान द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार सफदरजंग वेधशाला में कल दिल्ली का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया, तो वहीं दिल्ली का न्यूनतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। सोमवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया, अगले 6 दिनों यानी 20 जून तक के लिए आंधी या हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग कहाँ के रहने वाले कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, जहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं बताइएगा जरूर हमें, और आपके यहाँ पर कितना टेम्परेचर है दोस्तों ये भी जरूर बताइएगा। और इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप सभी अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं हम आप सभी अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।